दोस्तों, अगर आप भी अपना सी ए क्यू लेटर 7 दिनों में मंगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि कैसे मेरा सी ए क्यू 7 दिन में आ गया था, और साथ में ही मैं ये भी बताने जा रहा हूँ कि सी ए क्यू होता क्या है, क्यों आपको ये चाहिए और किसको ये अप्लाई करना पड़ेगा। सो बनी रहिए मेरे साथ, मैं अंकुर साहू और आप देख रहे हैं टीवी विन कैनेडा। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सी ए क्यू होता क्या है। तो दोस्तों, ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसमें सी ए क्यू का फुल फॉर्म होता है क्यूबेक दो एक्सेप्टेंस टू सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट किस लिए चाहिए हो? अगर आप कनाडा पढ़ने जा रहे हैं और क्यूबेक स्टेट में किसी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हुआ है, तो आपको क्यूबेक गवर्नमेंट बोलती है कि आपको एक सी ए क्यू सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है, जो कि आपका कन्फर्म करेगा कि आप क्यूबेक स्टेट में रह सकते हैं। तो दोस्तों, इसको कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे इसकी फ़ीस पेमेंट करेंगे और कैसे इसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। दोस्तों, मैं अपनी टाइमलाइन बता देता हूँ। मैंने 18 ऑफ जून को सी ए क्यू पोर्टल पर अकाउंट बनाया था, और 21 ऑफ जून को मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड करे थे, और 29 ऑफ जून को मेरा सी ए क्यू लेटर मुझे मिल गया था। तो यही सब प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, लेट्स गेट। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे क्यूबेक गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे सी ए क्यू के बारे में A to Z डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो सिंपली आपको लिखना है सी ए क्यू क्यूबेक, इसके बाद आपको जो पहली लिंक मिलेगी उस पर आपको क्लिक करना है। तो उस पर यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाइंग फॉर टेम्प्रेरी सिलेक्शन फॉर स्टडी। सी ए क्यू किसके लिए नेसेसरी होता है? जो भी आप स्टूडेंट वहाँ पे क्यूबेक स्टेट में पढ़ने जा रहे हैं या रहने जा रहे हैं, तो उनके लिए सी ए क्यू मैंडेटरी होता है। साथ में दोस्तों, इस पेज पे क्या क्या हमको मिलेगा वो भी आप देख सकते हैं। आपको कैसे एप्लीकेशन प्रोसेस आपको करनी है, पेमेंट कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, प्रोसेसिंग टाइम कितना लगेगा, साथ में डिसीजन कब तक आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको 3 डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जो कि आपका होता है पहला पासपोर्ट, जो कि प्राइमरी आइडेंटिटी होती है किसी भी अब्रॉड एजुकेशन के लिए, अब्रॉड काम के लिए। साथ में दोस्तों, क्यूबेक स्टेट में आपने जिस भी किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया, अगर वो DLI अप्रूव्ड है तो आपको उसका एडमिशन ऑफ लेटर लगाना पड़ेगा। साथ में ही दोस्तों, आपको $124 की फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी, जो कि आगे इसी पेज पर नीचे मेंशनड है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। और वो पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट और लगेंगे दोस्तों, वो इस जब आप अप्लाई करेंगे, इसका आपको एक रिसीट मिलेगी, उस रिसीट पे आपको साइन करके फिर से वही चीज़ अपलोड करनी पड़ेगी। जी, जितना भी अपलोडिंग का प्रोसेस है वो आपको दूसरे पोर्टल पे करना पड़ता है, जो कि बोलते हैं अरिमा पोर्टल। फिर आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिए, इसका हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। बट उससे पहले आपको बता दें, अगर आप किसी इन कंट्री में से ही किसी में हैं, तो आपको प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी भी देना पड़ेगा। ऑल्दो एशियन कंट्रीज़, मोस्टली एशियन कंट्रीज़ को रिक्वायरमेंट नहीं होती पेमेंट 124, इन्होंने खुद यहाँ पे लिख के दे दिया है कि आपको 1 जनवरी 2023 से आपकी पेमेंट रिवाइज हुई है। प्रोसेसिंग टाइम के बारे में बात करें तो यहाँ पे 20 दिन का लिखते हैं, बट मुझे विदिन 10 डेज और 11 डेज मुझे मेरा CAQ मिल गया था। क्या ये दोस्तों कुछ भी नहीं है, चलिए सबसे पहले चलते हैं अप्लाई कैसे करते हैं। तो आपको सिंपली इस वेबसाइट से जाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एक्सेस टू द एप्लीकेशन फॉर टेम्प्रेरी सिलेक्शन फॉर स्टडीज, और यू कैन जस्ट सिंपली टाइप ऑन द गूगल CAQ अप्लाई, सो यू विल रीडायरेक्ट टू दिस वेबसाइट। जैसे हम आप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पोर्टल खुल के आएगा, जहाँ से आप CAQ के लिए अप्लाई कर सकते हो। जल्दी से यहाँ पे अपना जो भी पासपोर्ट में डिटेल्स दी रखी हैं, सेम टू सेम आपको वही डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो जल्दी से मैं फिल कर लेता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद अपना जेंडर प्लस मैरिटल स्टेटस आपको बताना है। डेमो पर्पस के लिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ।
दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि आपके साथ कितने लोग ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंगल ही ट्रैवल करने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर दिया है। इसका अपनी स्टडीज़ के बारे में आपको बताना है। मैं मास्टर्स करने जा रहा हूँ, तो आपको वो डिटेल आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। साथ में आपको यहाँ पे प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। और ये एक्सचेंज प्रोग्राम नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो क्लिक करूँगा। प्रोग्राम कब से स्टार्ट होगा आपका, वो आपको डिटेल यहाँ प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जैसे मैं जनवरी इनटेक में जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जनवरी 2024 की डिटेल यहाँ पे डाल देता हूँ। प्रोग्राम कब एंड होगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 2 ईयर्स का प्रोग्राम, तो उस हिसाब से आप अपने इस प्रोग्राम की डिटेल्स के लिए डाल सकते हैं। इसलिए मैं जुलाई के यहाँ पर लिख देता हूँ। एनुअल फीस आपको कितनी लग रही है, तो सपोज़ करो आपके 20K लग रही है, तो मैं यहाँ पे 20K कैनेडियन डॉलर्स की फ़ीस आपको लिख देता हूँ। इसका दोस्तों इंस्टीट्यूशन कौन सा है आपका, तो वहाँ पे आप लिख दीजिए। जैसे मैं कंकोडिया यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कंकोडिया यूनिवर्सिटी लिख दूंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि पहले आपको कभी आपने CAQ के लिए अप्लाई किया था या नहीं। तो अगर आपने इतना किया है तो यस कर दीजिए, नहीं किया तो नो कर दीजिए। तो इसके बाद यहाँ पे ये लिस्ट आ जाती है कि आपका नियरेस्ट वीज़ा ऑफिस और एम्बेसी कहाँ पे पड़ती है। तो आपको जैसे नहीं पता, तो आप नीचे क्लिक कर सकते हो। तो इंडिया में सिर्फ 2 ही एम्बेसीज़ हैं, इंडिया में न्यू दिल्ली में और चंडीगढ़ में। तो मैं न्यू दिल्ली यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। इसका दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताया था कि आप लिस्टेड कंट्रीज में से नहीं हैं, तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन फाइनेंशियल प्रूफ आपको नहीं देना, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट कर दीजिए। इसका दोस्तों ऑथराइजेशन बतानी है कि आप चाहते हैं अपनी डिटेल किसी और को देना या नहीं, तो आप यहाँ पे सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिए। थर्ड पार्टी किसी को देना चाहते हैं इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे नो कर दीजिए। इसके दोस्तों यहाँ पे पूछा जाता है कि ये जो भी CAQ की एप्लीकेशन है, ये आप खुद से फाइल कर रहे हैं या किसी एजेंट के थ्रू कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे खुद से कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। दोस्तों यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। आफ्टर दिस नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, तो दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पे आप यूज़र आईडी और पासवर्ड अपना जनरेट कर सकते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। कल को आपको CAQ पोर्टल में लॉगिन करना है, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। इसका दोस्तों यहाँ पे सारी स्टेप्स लिखी हैं, तो इसका सीधा पेमेंट का पेज खोलेगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड बना लेंगे, तो आपको पेमेंट करने का एक विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पे पेमेंट कर देंगे, उसके बाद इसके बाद आपको एक मेल आएगा कि आपकी फ़ाइल ओपन हो चुकी है। और साथ में 2 अटैचमेंट आएंगी, जो कि आपको साइन करके नेक्स्ट पोर्टल पे अपलोड करना है। तो जैसे ये प्रोसेस दोस्तों मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं। जैसे ही दोस्तों आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी, आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से CAQ के पोर्टल पे आना है, बट इस बार आपको लिखना है CAQ लॉगिन गूगल पे। जैसे ही पहली लिंक आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। उसका दोस्तों मैं यहाँ पे अपना पर्सनल अकाउंट खोल के आपको बता दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या उसमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि मेरा CAQ लेटर ऑलरेडी आ चुका है, तो मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ पूरा। 18 जून को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था। आपको ये 2 चीज़ें आपको ओपन होती हुई दिखेंगी, 18 और 19 वाला आपको शो नहीं होगा। जब तक आपका CAQ लेटर नहीं आएगा, तो मैं आपको स्पेशली बता देता हूँ कि मैं भी इस चीज़ में परेशान हुआ था कि जब तक आपका CAQ 29 जैसे मेरा आया था, 29 को मेरा CAQ आया, और जब तक आपका CAQ लेटर वहाँ से डिसीज़न रिलीज नहीं होता है, तो आपको ये 3 चीज़ें नहीं दिखेंगी। आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें दिखेंगी, और आपको करना क्या है वो आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपको ये 2 चीज़ें कन्फर्मेशन और पेमेंट एक्नॉलेजमेंट और रिसिप्ट आपको दिखेगा यहाँ पर, तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक करना है कन्फर्मेशन ऑफ पेमेंट। इसके बाद जो भी फाइल ये डाउनलोड करेगा, वो आपको फाइल में आपको दिखाता हूँ।
जैसे ही आप इस फाइल को डाउनलोड कर लेंगे, ओपन करेंगे, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से डिक्लेरेशन और कमिटमेंट का एक पेज आपको मिलेगा जो कि मैं साइन कर चुका हूँ उसमें। जैसे ही आपको ये पेज मिला, अपने डाउनलोड्स का प्रिंटआउट निकाल के आपको यहाँ पे आपका साइन सिटी लिखना है, साइन करना है, डेट लिखनी है, खुद के साइन करने हैं, पेरेंट्स के भी साइन करने हैं, आपको दोबारा से पीडीएफ बनानी है, साथ में ही आपको अपना ऑफर लेटर और आपको पासपोर्ट की पीडीएफ, वो दोनों तीनों चीज़ें आपको रेडी रखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपको आती है वो है, जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको फाइल नंबर शो होगा। और ये तीनों चीज़ें आपको फिर से बता दूँ, ये तीनों चीज़ें आपको शो नहीं होंगी तो इस चीज़ के लिए आप मत परेशान होंगे, एक साथ ही तीनों चीज़ें शो होंगी। सो फ्रेंड्स, अभी तक आपने अपना सी ए क्यू के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, पेमेंट हो चुका है, बट अभी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड तब होंगे जब आपका फाइल नंबर आपके सी ए क्यू पोर्टल पे विजिबल हो जाएगा। तो जैसे ही आपका फाइल नंबर विजिबल हो जाए, आपको आना है फिर से क्यूबेक गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और इसके बाद यहाँ से आपको एक्सेस करना है अरिमा पोर्टल, जो कि आपको इस सेक्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही इस पोर्टल पे आप आएंगे और आपको यहाँ पे एक्सेस ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करना है, इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक टेम्प्रेरी ईमेल आईडी और पासवर्ड बना लिया है, जल्दी से यहाँ मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। सो फ्रेंड, जैसे ही आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड, फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे आई एम एंडिविजुअल, यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशंस आपको देखने को मिल जाएंगी, जल्दी से इनके बॉक्सेस पे चेक मार्क कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये फ्रेंच में कुछ लिखा हुआ था जो कि कन्वर्ट हुआ है इंग्लिश में, तो यहाँ पे उल्टा ये बटन्स का फंक्शन हो जाता है, तो आपको यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करना है, तब ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे सेम पासपोर्ट में जो आपकी डिटेल्स हैं, आपको वही यहाँ पे डिटेल्स फिल कर फिलआउट करनी है, तो मैं अब यहाँ पे कर देता हूँ। दोस्तों याद रहे, यहाँ पे आपको इंडिया नहीं मिलेगा क्योंकि फ्रेंच वेबसाइट है, तो इसमें आपको इंडिया मिलेगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को, तो आपको इंडिया पे क्लिक करना है, ये फ्रेंच में इंडिया को ऐसे लिखते हैं। इसका दोस्तों यहाँ पे फिर से फॉलोइंग पे क्लिक कर दीजिए। आफ्टर दैट एक आपका एड्रेस पूछेगा, तो आप जल्दी से कुछ भी एड्रेस यहाँ पे मैं अभी डाल दे रहा हूँ, आप अपना प्रॉपर एड्रेस डाल के इसको फिल आउट कर लीजिए। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल कोड देना पड़ेगा और एक मोबाइल नंबर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक कर दीजिए क्रिएट माई प्रोफाइल। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है, अब आपको फिर से लॉगिन करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे दोबारा लॉगिन करूँगा तो मेरा अरिमा पोर्टल यहाँ से ओपन हो जाएगा। सो अब हमें यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करना है, तो जल्दी से हम फोल्डर को क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट अ फोल्डर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू एक ओपन होगा जिसमें हमें इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो डिटेल्स हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम अरिमा पोर्टल के डाली हुई थी यहाँ पे शो कर जाएगी। अब मैं जो आपको फाइल नंबर पे इतना जोर दे के बोल रहा था आपको लिखना है, तो जो भी वो फाइल नंबर आपके सी ए क्यू पोर्टल पे था, वो फाइल नंबर आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप वहाँ पे टाइप कर लेंगे जो भी आपका होगा फाइल नंबर, उस फाइल नंबर को टाइप करने के बाद यहाँ पे रिसर्च पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे फाइल शो कर जाएगी। अभी जैसे मैंने रैंडमली डाला था, नो रिकॉल फाउंड करके आ रहा है। दोस्तों अब मैं अपना पर्सनल अकाउंट खोल के आपको दिखा देता हूँ कि कैसे वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और क्या उसकी प्रोसेस रहेगी। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा फाइल नंबर शो कर रहा है, एप्लीकेशन फॉर टेम्परेरी सिलेक्शन फॉर स्टडीज लिखा हुआ, जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया था, जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया था 21 जून को, और मेरा सी ए क्यू आ गया था 29 जून को। सो दोस्तों ऐसे ही आपने यहाँ पर क्लिक करके इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम पर क्लिक कर दिया, उसका दोस्तों एक फोल्डर आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या सबमिट करने, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ें लिखी रहेंगी। आपको जैसे लेटर ऑफ एडमिशन लिखा रहेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करके अपलोड का ऑप्शन रहेगा, आपको वो अपने डॉक्यूमेंट
तीनों एक फोल्डर बना के रख लेने हैं। दोस्तों जैसे ही आप तीनों डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देंगे यहाँ पे डिस्पोर्ट लिख के आ जाएगा और इसके बाद आपका काम पूरा ख़त्म हो गया। अब आपको बस वेट करना है दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको कि CAQ पोर्टल पे कोई अपडेट नहीं हो रहा। CAQ पोर्टल पे लास्ट अपडेट आपको फाइल ओपन वाला दिखेगा, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट कब सबमिट किया, डॉक्यूमेंट सबमिशन की रिपोर्ट और CAQ कब जनरेट हुआ, ये सारी डिटेल्स आपको तभी दिखेंगी जब आपका CAQ लेटर आ जाएगा, जो कि आपको एक मेल पे आएगा कि यू हैव एन अपडेट इन योर CAQ पोर्टल। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो CAQ लेटर के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही आगे और भी प्रोसेसेस जो मैं गो थ्रू कर रहा हूँ वो एक करके आपको बताते जाऊँगा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.